हेलो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हो ऑडोमीटर पे, आज मैंने माइलेज टेस्ट किया अपने स्कॉर्पियो NZ2 डीजल वेरिएंट का। इसने मेरे को ओवरऑल 16.7 का एवरेज दिया है। हाईवे पर है ये, और मैंने गाड़ी की जो है इसे टैंक फुल करा के और ट्रिप जीरो करके एंड देन जो माइलेज था उसको एवरेज फ्यूल को रिसेट करके फिर मैंने टेस्ट किया इसको। मैंने गाड़ी की जो स्पीड रखी हुई थी वो 90 to 100 के बीच में रखी हुई थी। सो 2000 RPM से नीचे था, मतलब जब 100 को टच करते हैं सब 2000 RPM से ऊपर चला जाता है RPM मीटर। ये बहुत अच्छा माइलेज दिया मेरे को 16.7, ये ऑडोमीटर का माइलेज है। इन फ्यूचर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टैंक टू टैंक का भी माइलेज निकाल के देखूंगा। मैंने अभी आपको मैं ट्रिप मीटर दिखा देता हूँ। इसने मेरे को ट्रिप दिखाता हूँ मैं, इसने मेरे को कितने किलोमीटर पे ये माइलेज दिया है। इसने मेरे को 60.5 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया कार, और इसी उसमें मैंने मतलब 16.7 का माइलेज मेरे को मिला है। बहुत अच्छा माइलेज दिया है कार ने, और अभी मेरी कार जो है टोटल 309 किलोमीटर चल चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में माइलेज के ऊपर, जो टैंक टू टैंक माइलेज है उसके ऊपर निकालूंगा, ये हाईवे का माइलेज है। बहुत बढ़िया माइलेज रहा। मैं मतलब इतना बड़ा इंजन होने के बाद में इतना माइलेज दिखा रहा है ऑडोमीटर पे, और जो हाईवे था वो बिल्कुल फ्लैट नहीं था, कहीं पे उसमें ऊपर ढलान था कहीं पे नीचे ढलान था। ओवरऑल लाइक ठीक ही एवरेज निकल के आया है गाड़ी का। इन फ्यूचर मैं इसका टैंक टू टैंक माइलेज भी आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।